हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ और ये DIY होम रेमेडी आपके स्पॉट्स पर काम करेगी, आपके डलनेस को दूर करेगी। तो उससे पहले मैं आप लोग ये बताइए कि आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और ये सीज़न ही ऐसा चल रहा है, यानी कि रेनी सीजन चल रहा है, तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाते हैं, स्पॉट्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी भी कीड़े ने अगर आपको बाइट कर लिया है तो हो जाते हैं इस तरह के, थोड़े से दाग धब्बे से हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको दूर करने के लिए इसको मैंने एक होम रेमेडी बनाई है और अभी आपको आगे लगा कर भी दिखाऊँगी। तो ये इस तरह से है, आई होप आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, बट ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है फ्रेंड्स। आप लोगों को इस अगर पिगमेंटेशन है तो उस पर भी वर्क करेगी, तो इसीलिए मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर करने का सोचा। तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को बताऊं ये होम रेमेडी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री होता है और लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं न्यू वीडियो आपको आपके सामने लाऊंगी और अच्छे से आपको यूज़ भी कर पाएंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स, मेरे थोड़े हेयर को भी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे हेयर वॉश किए हुए नहीं है, इसलिए मैंने टाई किया हुआ है पीछे से, और क्योंकि मुझे एक वीडियो और शूट करनी है इसके बाद, तो वो ऑयलिंग पर होगी, तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रही थी कि आप लोगों को इस तरह के होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करते रहनी चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। आपको हमेशा इस तरह की चीज़ों को अपने जो डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत ही अच्छी इफ़ेक्ट भी करती हैं, मतलब चाहे थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन अच्छे से वर्क करती हैं और आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है, ग्लोई रहती है। तो इस वजह से, तो ये तो मैं भूल गई कि मैं पूरा बोल दूँ, शेयर जरूर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आप लोगों के ऊपर है फ्रेंड्स। तो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा, और जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप उसको भी चेकआउट कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी आपको इस होम रेमेडीज़ के बारे में। तो होम रेमेडीज़ आपको यूज़ करते रहना चाहिए और ये बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और जो मैं रेमेडीज़ वगैरह बताती हूँ ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। तो चलिए फटाफट से आप लोग देख लीजिए कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है और इसको कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने इसमें इंग्रीडिएंट डाले हैं वो सारे आपको घर में ही मिल जाएंगे, आपके पास ही होंगे, क्योंकि अगर डेली वेयर में अगर फेस पैक वगैरह बनाते हो या फिर आपकी बॉडी पॉलिशिंग कुछ भी करते हैं आप, तो आप यूज़ करते ही होंगे, ऑयलिंग तो करते ही होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी। और मुझे आप फॉलो करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी घर पर। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए मैंने इसको किस तरह से बनाया है और किस तरह से इसको लगाना है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डार्क स्पॉट्स के लिए, मतलब आपके फेस पे अगर डार्क स्पॉट हो गए हैं और आप अपने स्पॉट्स को ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे पिगमेंटेशन हो गया या किसी तरह के स्पॉट्स हैं या मतलब पिंपल के निशान वगैरह हैं, कुछ भी है, तो आप इसको कैसे हटा सकते हैं, मतलब कि आपको किस तरह से इसको रिमूव करना है, तो मैं आज ये बताने वाली हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें सबसे पहले ये एक 3 बाउल था और इसमें मैंने ले लिया है रॉ मिल्क, बस इतना ही लिया है। मैं इसको रोज़ बना लेती हूँ इस वजह से, और मैं लूँगी एक EVA का कैप्सूल, और ये है 400 mg का है, तो EVA का ये कैप्सूल मुझे ले लेना है और मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हो कि रॉ मिल्क आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपकी स्किन को वाइट करता है, आपके लिए ये जो मैं कैप्सूल ले रही हूँ ये भी बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, तो मैंने इसको ये ऐड कर दिया है, उसका भी निकल गया इसमें।
और मैं थोड़ा सा लेमन लूँगी और विटामिन ई का कैप्सूल, मतलब इसमें विटामिन ई का कैप्सूल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये आपके स्पॉट्स पर काम करता है, आपके जितने भी स्पॉट्स वगैरह होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है स्किन पर। ये आपकी स्किन पे अगर झाइयाँ वगैरह हैं या फिर आपकी स्किन में रिंकल्स हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। इस वजह से मैंने ईवीएम का कैप्सूल लिया है और मैं लूँगी थोड़ा सा लेमन लूँगी, जिसमें आप थोड़ा ही ड्रॉप डालिए, ये ब्राइटनिंग का काम करेगा लेमन, इसलिए मैं थोड़ा ही ऐड कर रही हूँ। और लूँगी पतंजलि का जेल और ये है, ये इसमें केसर भी है चंदन भी है, तो मैं ये वाला ले रही हूँ। अगर आपके पास ग्रीन वाला है तो आप ग्रीन वाला भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड, तो मैं ये ले रही हूँ, आप कोई भी ले लीजिए आपके पास जो हो आप वो डाल लीजिए इसमें। तो ये ले लूँगी मैं थोड़ा सा, और फिर मैं इसमें इसके मैं ले रही हूँ मैं फिगारो का ये ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बहुत ही अच्छा होता है, स्किन को ब्राइट भी करता है, आपकी स्किन में जितने कोई भी प्रॉब्लम है अगर तो वो भी रिमूव हो जाती है इससे। तो मैं इसमें ये भी ले रही हूँ, मैंने दो ऑयल लिए हैं इसमें, विटामिन ई का कैप्सूल भी लिया है, वो भी ऑयली होता है क्योंकि वो विटामिन ई से बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है उसमें, और मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है, आपकी स्किन को सूदिंग करता है, आपकी स्किन को अच्छा प्रोवाइड करता है, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, आप इसको टू टाइम्स लगा सकते हो दिन में, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म हो जाएगा ये, उस तरह से आपको मिक्स करना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे मिक्स करके और फिर लगा के दिखाती हूँ आपको किस तरह से आपको अप्लाई करना है अपने फेस पर। तो फ्रेंड्स इसको मैंने मिक्स कर लिया है, ये देखिए इसी तरह से ही रहेगा ये, और अगर आप लोग को दिख रहा है, आई होप को दिख रहा होगा, इस तरह से ही ये रहने वाला है। तो मैं इसको सिर्फ स्पॉट्स, अगर आपके स्पॉट्स हैं इधर हैं, अगर आपको झाइयाँ हैं तो यहाँ लगा सकते हो, और इसको ओवरनाइट के लिए भी आप छोड़ सकते हैं या फिर आप जैसा चाहें, आप अगर दो आधे घंटे के लिए आप अपने फेस पर रख सकते हैं, अगर आपको कहीं जाना है तो आप वॉश कर लीजिए, या फिर आप पूरी पूरे ही फेस पर अप्लाई करके इसको इस तरह से पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए इसको, और अच्छे से मसाज करके। मेरा फेस एकदम क्लीन था फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी उसके लिए, और मेरा फेस एकदम क्लीन था तो मैं अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं की थी, और मेरा फेस एकदम क्लीन की वजह से उसके बाद ही मैंने ये स्पॉट्स वाला जो लगाना शुरू किया है तभी किया है, क्योंकि आपके फेस पर कुछ भी नहीं अप्लाई, कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, ना ही कोई क्रीम होनी चाहिए, आप बस डार्क सर्कल पर भी इसको यूज़ कर सकते हो, उस तरह से आँखों को बचाकर अच्छे से इस तरह से आप यूज़ कर लीजिए। इसको दोनों हैंड से इस तरह से मसाज करिए, स्पॉट्स भी लगा सकते हो आप, अगर आप चाहें तो फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो, तो मैं फेस पर इसलिए ले रही हूँ, अगर स्पॉट्स जहाँ पर होंगे वो सही हो जाएंगे। ऐसे ही 10 मिनट कर लीजिए, आपके पास जैसे टाइम हो आप उतने टाइम तक आप मसाज कर सकते हो, फिर मसाज के बाद आप ऐसे चीज छोड़ भी सकते हैं, आप अगर वॉश करना चाहें आधे घंटे बाद तो आप वॉश भी कर सकते हो नॉर्मल वाटर से, और फिर उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चर क्रीम लगा लीजिए, कोई भी क्रीम लगा सकते हो आप नाइट में, और टू टाइम आपको ये यूज़ करना है, टू टाइम आप यूज़ करोगे तो आपको फर्क डेफिनेटली दिखेगा, और आप स्किन बहुत ही अच्छी रेडी रहेगी, और आपकी जो स्किन जितने भी डार्क स्किन वो भी चली जाएंगी, और आपकी अगर रिंकल्स पड़ रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे, और आपकी स्किन डल है तो वो भी ग्लो प्रोवाइड होगी, स्किन कितना शाइनी हो जाता है इससे। आप इसको आप डेली यूज कीजिए, आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में।
तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है और किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो आप इसको डेली यूज में कर सकते हो यूज़, अगर आपके पास नाइट में आप डेली यूज़ कर सकते हो, आपको टू टाइम्स लगाना है अगर आप घर पर ही रहते हैं तो आप टू टाइम्स लगा लीजिए, सुबह लगा लीजिए और शाम में लगा लीजिए रात में सोते समय, तो दो टाइम लगाइए आप इसको, तो आपके स्किन में स्पॉट्स वगैरह हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, आपके पिगमेंटेशन वो ठीक हो जाएगी, आप अगर आपकी स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, आपके डार्क सर्कल्स हैं तो वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो मैंने तो आपको पूरे ही पेज पर लगा के दिखा दिया है, अगर आप चाहें तो स्पॉट्स पर ही लगा सकते हो। तो ये रेमेडी आप ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप अगर ऑयली स्किन है आपकी तो आप सिर्फ वही जगह पर यूज़ करिए जहाँ पर आपको स्पॉट्स वगैरह हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी। और आपको आप कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी रेमेडी। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मैं नहीं जानती फ्रेंड्स, तो ये रेमेडी आपको इसी तरह से यूज़ करनी है बता दिया है आप लोगों को। और मैं कुछ एक बात और करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, आप लोग देखते तो बहुत हो मेरी वीडियोज़, पता नहीं क्या कर रहे हो, और मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, अगर आप ये वाइज देखना चाहते हैं, अगर आप फेशियल पर देखना चाहते हैं तो मैंने फेशियल के लिए भी एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, तो आप फेशियल वगैरह देख सकते हैं, होम फेशियल या फिर आप जो प्रोडक्ट फेशियल होते हैं अब वो वाले फेशियल भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने इस तरह के फेशियल बना किए हुए हैं, और भी इतने सारे वीडियोज़ हैं, आप लोग देखिए चेकआउट कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आप किस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक प्लीज़ फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स प्लीज़, और आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए कर आऊँगी। तो और शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा फ्रेंड्स। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडीज वगैरह कैसी लग रही है, इफेक्टिव हो रही है या नहीं, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेशन कीजिए मुझे, अच्छा लगेगा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ बने रहना। और इसलिए मैं हर चीज़ को यूज़ करके आप लोगों के सामने लाती हूँ, पहले मैं खुद यूज़ करती हूँ इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हाँ ये इफेक्टिव है या नहीं है, तो तभी आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, मिलती हूँ आपसे, लव यू ऑल।